प्यारे दोस्तों, आज एक बार फिर BDCC हेल्थ एजुकेशन सेल विच तुहाडा स्वागत है। साड़ी जिंदगी विच चैलेंजेस चुनौतियां अनेक हैं, पर इन्हां सब दा हल सिर्फ इक्को ही है, ध्यान यानी मेडिटेशन। जेकर असी अपनी लाइफ दी ऑलराउंड डिवेलपमेंट या विकास चाहते हाँ तो मेडिटेशन नू अपनी लाइफ स्टाइल का एक जरूरी हिस्सा बनाना पेगा। दोस्तों, मेडिटेशन ना सिर्फ सानू शरीरक ते मानसिक सेहत ही प्रदान करती है, सगों ये साडे जीवन विच पॉजिटिविटी, अबंडेंस, वेल्थ, धन संपत्ति, सुख शांति ते विल पावर का अथाह स्रोत भी बख्शदी है। सो जे मेडिटेशन इतनी गुणी है तां ज़्यादा तो ज़्यादा समा अपनी दिनचर्या विच सानू मेडिटेटिव स्टेट विच रहना बहुत जरूरी है। अज मैं गल करन लगा हाँ कि असी किवें रात नू सुत्ते पे भी मेडिटेटिव स्टेट विच रह सकते हाँ, जिस नाल दिन दे 24 घंटिया विच एक लंबा समा साडे मेडिटेशन विच बीत सकता है। रात नू सुत्ते पे साडे जीवन दा एक अजिहा खाली समा हुंदा है जिस विच असी मेडिटेशन नाल वधिया वाबस्ता हो सकते हाँ। साडे जीवन विच ये समा जब मेडिटेटिव स्टेट वजों जुड़ जाएगा तो ज़्यादा तो ज़्यादा असी पॉजिटिविटी नू अट्रैक्ट कर पावांगे ते घट तो घट एफर्ट्स नाल अपनी लाइफ विच तेजी नाल अग्गे वध जावांगे। प्यारे दोस्तों, जदों असी सौन लई जांदे हाँ तां सौन तो पहला दा विचार साडी जिंदगी विच बहुत महत्ता रखदा है। ओ विचार जद सौन वेले तुहाडे अंदर हुंदा है तां तुहाडा सबकॉन्शियस माइंड उसनू पकड़ लैंदा है ते फिर उसे नू सारी रात प्रोसेस करदा है। ये सबकॉन्शियस माइंड जिहड़ा साडे कुल माइंड का 90% हिस्सा है, रात नू सौन तो 10 मिनट पहले सिखरां ते एक्टिवेट होया हुंदा है। ये इसकी नॉर्मल वर्किंग है, जबकि साडा कॉन्शियस माइंड जिहड़ा कुल माइंड का सिर्फ 10% हुंदा है वह सारा दिन एक्टिवेट रहिंदा है। उही विचार, उही सोच जब सारी रात प्रोसेस होनी हुंदी है तो साढ़े नैक्सट डे की शुरुआत भी उस ही विचार ते उस ही सोच नाल शुरू होनी हुंदी है। सो ये बहुत जरूरी है। राती सौन तो पहले तुहाडे हालात या तुहाडी दशा कहो जी है, सौन तो पहला तुहाडा विचार की है, क्योंकि यही पूरी रात प्रोसेस होना है ते ऐसे ने ही प्रोसेस होना है ते ऐसे दी कल्टीवेशन होनी है। तो दोस्तों, यकीन करियो दिन चढ़न ते सवेरे तुहाडे दिन दी शुरुआत भी ऐसे नाल ही होवेगी, ये गल निश्चित है। इसका अगले दिन ते भी काफ़ी इफेक्ट आन वाला है। सो ये जरूरी है कि सौन तो पहला सानू अपने विचार ते भाव चैक कर लेने चाहिए हैं। सारी रात मेडिटेटिव स्टेट विच रहन लई सानू तीन चीज़ां ते काम करना होवेगा। जेकर ये थोड़ा जिहा काम असी कर लवांगे तां डेफिनेटली इस दे बहुत इफेक्टिव ते अमेजिंग रिजल्ट सानू मिल सकते हैं। हाँ दोस्तों, सानू तीन चीज़ां ते काम करना होवेगा। नंबर एक शरीर ते, नंबर दो अपने साहां ते या श्वासां ते या ब्रेथ ते, ते नंबर तीन अपने मन ते। ये तीन चीज़ां ते सानू काम करना है, क्योंकि इन्हां तीनों चीज़ां दा एक दूजे नाल सीधा संबंध है। जेकर शरीर नू कुछ हुंदा है तां इसदा सीधा असर साडे साह ते पैंदा है, ते जेकर साडे श्वासां नू कुछ हुंदा है तां इसदा इफेक्ट साडे मन उत्ते हुंदा है, ते जेकर साडे मन नू कुछ हुंदा है यानी साडे मन विच कुछ विचार या सोच जन्म लैंदी है तां साडे श्वासां दी गति बदल जांदी है ते अल्टीमेटली साडा शरीर प्रभावित हुंदा है। सो इन्हां दी एक दूजे नाल कड़ी जुड़ी हुई है। सानू सौण तो
पहले 10 मिनट ले इन्हां तिन्नां ते काम करना होगा। बिलीव मी, ये 10 मिनट साड़ी अज दी रात, साड़ी अज सौन वाली रात ते आन वाले दिन नू पूरी तरह नाल चेंज कर सकते हैं। ये 10 मिनट साड़े लिए बड़े वडमुले हुंदे हैं। आओ वेखिए असी करना की है। जदों असी सौन लिए जा रहे हुंदे हाँ तो सानू सीधे आराम नाल अपने बैड ते लेट जाना है। जे हो सके तां पिल्लो दा इस्तेमाल नहीं करना। सब तो पहले अपने शरीर नू अजेही कमांड देनी है ताकि आपका शरीर आप लई एक फेवरेबल सिचुएशन विच आ जावे, जिस नाल आप आसानी नाल मेडिटेशन विच चले जावो। हुण इत्थे तुसी अपने आप नू दसना होवेगा कि मेरा शरीर शिथल हुंदा जा रहा है, शांत हुंदा जा रहा है ते रिलैक्स हुंदा जा रहा है। लगातार अपने शरीर नू समझाओ ते मैसेज देवो कि मेरा शरीर स्थिर हुंदा जा रहा है, मेरा शरीर शांत हुंदा जा रहा है, मेरा शरीर रिलैक्स हुंदा जा रहा है। तुसी 2 या 3 मिनट जिद्दां ही ये गल अपने शरीर नू समझाओगे तां तुसी वेखोगे कि वाकई ही तुहाडा शरीर स्थिर होण लगा, तुहाडा शरीर शांत होण लगा ते तुहाडा शरीर रिलैक्स होण लग पिया है। क्योंकि मनुखी शरीर की एक सुभाविक गल है कि जो भी विचार या भाव साढ़े विच आते हैं वह साढ़े शरीर उत्ते साफ साफ दिखाई देन लग जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो तुसी गुस्से विच हुंदे हो तां तुहाडा गुस्सा तुहाडे शरीर उत्ते साफ साफ विखाई दिंदा है, बिना कुछ बोले या बिना कुछ कहे विखाई दिंदा है। कुछ भी कहन की जरूरत नहीं, कुछ भी दसन की जरूरत नहीं। मनुखी शरीर के अंदर जो भी हाव भाव होंदे हैं, जो भी विचार होंदे हैं, वह शरीर ते विखाई देन लग जाते हैं। जो बंदा अंदरों शांत हुंदा है तो शरीर ते वह शांति साफ नज़र आती है। 2 या 3 मिनट जिमें ही तुसी अपने शरीर की प्रोग्रामिंग करते हो, जिमें ही कमांड देंदे हो जां बोलते हो मेरा शरीर शांत हुंदा जा रहा है, मेरा शरीर शिथल हुंदा जा रहा है, मेरा शरीर रिलैक्स हुंदा जा रहा है, 2 या 3 मिनट दे विच दे अंदर अंदर वो शांत हो जाता है। इस तो बाद 2 या 3 मिनट अपने श्वास ते काम करना है। सिर्फ अपने आप नू दसना है, समझाना है ते बोलना है कि मेरा श्वास शांत हुंदा जा रहा है, मेरा श्वास अपने आप विच शांत हो रहा है। ते तुसी पाओगे दोस्तों कि तुहाडा श्वास शांत होने लग पिया है, तुसी रिलैक्स फील करन लगे हो। हुण तुसी अपने मन दे लैवल ते काम करना है, अपने आप नू फिर उही समझाना ते अपने आप नू 2 या 3 बार उही कहना है कि मेरा मन शांत हो रहा है, मेरा मन शांत हो रहा है। 2 या 3 मिनट जिवें ही तुसी बोलते हो ते समझांदे हो तां तुसी पाओगे तुसी मन दे लैवल ते भी शांत हो चुके हो। सब तो वड्डी गल ये होवेगी कि आप नू अनुभव होवेगा, तुसी वेख रहे हो कि तुसी शरीर तो भी अलग हो, श्वास तो भी अलग हो ते मन तो भी अलग हो, तां तुसी की हो, तुसी कौन हो। इस दा उत्तर ते ज्ञान भी तुहानू हौली हौली होन लग जाएगा। इस थोड़े जिहे अरसे विच लगभग 9 या 10 मिनट विच तुसी वेखोगे कि तुसी अपने शरीर दे पक्षों पूरी तरह नाल रिलैक्स हो चुके हो, तुहाडे श्वास भी रिलैक्स हो चुके हैं ते तुसी अपने मन दे पक्षों भी रिलैक्स हो चुके हो। ते जिवें जिवें तुसी शांत हुंदे जाओगे, शांत हुंदे जाओगे, उवें उवें ही तुसी गहरी नींद विच जांदे जाओगे ते अंत गहरी नींद विच ही चले जाओगे। जिवें ही तुसी शरीरक स्तर ते, श्वासां दे स्तर ते, ते मानसिक स्तर ते अपने आप नू शांत कर लैंदे हो तां तुहाडा सबकॉन्शियस माइंड इस गहरी शांति नू पकड़ लैंदा है ते फिर पूरी रात इस नू प्रोसैस करदा है। दोस्तों पूरी रात इस नू कल्टीवेशन विच लगा रहिंदा है, पूरी रात इस शांति नू बनाए रखता है ते तुसी जिस वेले गहरी नींद विच जा रहे हुंदे हो तां इस ब्लिस दा आनंद मान रहे हुंदे हो ते अनुभव कर रहे हुंदे हो ते तुसी पाउंदे हो कि तुसी शरीर तो
ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਤੋਂ ਮਨ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੂੜ ਅਤੇ ਗਹਿਰੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਏ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਹਿਰੀ ਨੀਂਦ ਦਾ ਸੁੱਖ ਭੋਗ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਨੀਂਦਰ ਦੀ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਐਨਰਜੀ ਦਾ ਲੈਵਲ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਇਸੇ ਹੀ ਭਾਵ ਅਤੇ ਇਸੇ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਉੱਠ ਜਾਵੋਗੇ। ਉਸੇ ਹੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ, ਉਸੇ ਹੀ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਅਤੇ ਉਸੇ ਹੀ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਸਵੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਲ ਵਕੜੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਵੇਗੀ। ਆਪ ਦਾ ਦਿਨ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਪ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਰਾਤ ਪਿਛਲੀ ਰਾਤ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿੰਪਲ, ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਮੈਡੀਟੇਟਿਵ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਬਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਅਵਚੇਤਨ ਮਨ ਦੀ ਹੈਲਪ ਹੀ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸਬਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਥੋਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਅਨੁਭਵ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਰਾਤੀ ਸੁੱਤੇ ਉਹੀ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਚੱਲੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੇ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਾਣਨਾ ਕਿ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਦਸ਼ਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਵ ਭਾਵ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਹੀ ਆਪਣੀ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਹੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੋਸਤੋ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਡੀਪਰ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੌਂਦੇ ਹਾਂ ਸੌਣ ਵੇਲੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਅਖੀਰਲਾ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਲਾਸਟ ਥੋਟ ਮੀਨਸ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਲਾਸਟ ਥੋਟ ਸਾਡੀ ਨੈਕਸਟ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੀ ਥੋਟ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲਾਸਟ ਬ੍ਰੈਥ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਉਸੇ ਹੀ ਥੋਟ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਅਗਲਾ ਜਨਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਹੀ ਥੋਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਥੋੜ੍ਹੇ ਡੀਪਰ ਲੈਵਲ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਵੇਂ ਮੈਡੀਟੇਟਿਵ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ, ਅਬੰਡੈਂਸ, ਆਨੰਦ, ਸੁੱਖ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਅਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਰੀਰਕ ਲੈਵਲ 'ਤੇ, ਬ੍ਰੈਥ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਅਤੇ ਮਨ ਦੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਤੋਂ 10 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਆਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਸਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਜ਼ੀਰੋ ਡਿਫੈਕਟ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਬਣੇਗੀ। ਆਪ ਦੀ ਲਾਈਫ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਆਪ ਦਾ ਸਕਸੈਸ ਲੈਵਲ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਐਫਰਟ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾਵੋਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਆਈ ਥੈਂਕ ਆਲ ਆਫ ਯੂ ਫੋਰ ਯੂਰ ਕਾਇੰਡ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਐਂਡ ਵਿਸ਼ ਏ ਬਲਿਸਫੁਲ ਲਾਈਫ ਫੋਰ ਆਲ ਆਫ ਯੂ। ਥੈਂਕਸ ਏ ਲੋਟ।